हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका राजस्थानी जायका चैनल पर। और आज हम बना रहे हैं बेसन के लड्डू। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। अब हम इसमें 2 कप बेसन डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप दूध डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेसन को। ये देखिए, हमने बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको छान लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। अब हम इसके ऊपर छलनी रख देंगे। अब ये सारा बेसन इसमें डाल देंगे। बेसन को छान लेंगे। अब ये देखिए, हमने बेसन को छान लिया है। ये देखिए, बेसन बिल्कुल दानेदार हो गया है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। अब हम इसमें 1 कप घी डालेंगे। घी को हल्का गर्म होने देंगे। ये देखिए, घी हल्का गर्म हो गया है। अब हम ये सारा बेसन इसमें डाल देंगे। और लो फ्लेम पर चलाते हुए इसको सेकेंगे। बेसन को आपको 15 से 20 मिनट तक सेकना है, या जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आ जाए और इसका कलर गोल्डन ना हो जाए। धीमी आंच पर सेकना है। तेज आंच रखेंगे तो बेसन जल जाएगा। बेसन को पकते हुए 5 मिनट हुए हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर और कुटा हुआ पिस्ता डालेंगे। ये देखिए, बेसन फूलने लगा है। 10 मिनट के लिए इसको और सेक लेंगे। ये देखिए, बेसन अच्छे से सिक गया है, कलर भी इसका चेंज हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम बेसन को एक प्लेट में निकाल लेंगे और बिल्कुल ठंडा होने देंगे। ये देखिए, हमने बेसन को एकदम ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी डालेंगे। मिक्स कर ले अच्छे से। ये देखिए, हमने इसमें पिसी हुई चीनी डाल दी है। अब हम इसमें थोड़ा से कटे हुए बादाम डालेंगे, थोड़े से बारीक कटे हुए काजू डालेंगे। इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके छोटे छोटे लड्डू बना देंगे। ये देखिए, छोटे साइज के लड्डू बना दिए हमने। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना देंगे। ये देखिए, लड्डू बना दिए हमने। ये देखिए, तैयार है हमारे बेसन के दानेदार लड्डू। इसको हमने कटे हुए पिस्ता से गार्निश कर लिया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।